इंसान कई बार अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाता तो वो डिप्रेशन में चला जाता है या फिर मर जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हालातों से हार नहीं मानते और अपनी इच्छा पूरी करते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण बन गया है बिहार का एक शख्स। दरअसल बिहार के सारण जिले में रहने वाला एक 23 साल का मिथिलेश कुमार प्रसाद पायलट बनना चाहता था। उसके सपनों को पंख नहीं लग पाए, लेकिन उसने अपनी कार को ही पंख लगाकर उसे हेलीकॉप्टर बना लिया। सात महीने की कठिन मेहनत के बाद पंख लगाकर हेलीकॉप्टर के डिजाइन में तैयार की गई ये कार इन दिनों काफी चर्चा में है। गुजरात में पाइपलाइन फिल्टर का काम करने वाले मिथिलेश बताते हैं कि वो बचपन से ही पायलट बनना चाहते थे, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाया। इसलिए मिथिलेश ने अपने सपने को पूरा करने के लिए दूसरा तरीका सोचा। इस काम में मिथिलेश का साथ उसके भाई सुजीत ने भी दिया। सुजीत ने सभी जरूरी तकनीकों को पढ़ा और कार को चौपर बनाने में अपने भाई की मदद की। इतना ही नहीं, मिथिलेश ने अपनी कार का इंटीरियर भी एक हेलीकॉप्टर की तरह बना दिया और उसे बिल्कुल नए रंग में रंग दिया। साथ ही मिथिलेश बताते हैं कि वे लोग अभी भी इस कार पर काम कर रहे हैं। काम खत्म होने के बाद जल्द ही उनकी कार चौपर की तरह उड़ेगी। आपको बता दें, यह हेलीकॉप्टर वाली कार हवा में नहीं उड़ती बल्कि सड़क पर दौड़ती है। न्यूज़ डेस्क।